हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां कामाख्या के दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं पूरे हरियाणा के उज्जवल भविष्य, उनके स्वास्थ्य और हरियाणा और पूरे देश के नई ऊंचाइयों को छूने की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ आकर मैं देख सकता हूँ कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ईमानदारी से इस राज्य को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार यहाँ विकास के लिए मजबूती से काम कर रही है। मेरा ये परम सौभाग्य है कि सिद्धपीठ माँ कामाख्या के चरणों में आज शीश नवाने का मुझे अवसर मिला है, मौका मिला है। माँ कामाख्या ने आज अपने यहाँ चरणों में आने का सौभाग्य दिया है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों के उज्जवल भविष्य, हरियाणा के लोगों का स्वस्थ उत्तम रहे और हरियाणा विकास की नई नई बुलंदियों को छूता रहे, मैं ऐसी माँ कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की और नई बुलंदियों को छूता रहे। दुनिया में जिस प्रकार से भारत एक नई ऊर्जा के रूप में उभर करके आया है, नई शक्ति के रूप में उभर करके आ रहा है और गति से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र में हमारा हरियाणा का भी पूरा शक्ति के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र में अहम भूमिका अदा करेगा। मैं आज जब माँ कामाख्या के चरणों में आया हूँ और मैं देखता हूँ हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्वा सरमा जो ईमानदारी से इस प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के ऊपर हेमंत बिस्वा जी बड़ी मजबूती से डबल इंजन सरकार के साथ मिलकर के यहाँ पर विकास की एक नई गति को देने का काम कर रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।